आज इस एलईडी टीवी में एक प्रॉब्लम है जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। ये यहाँ पे मैंने इसको सप्लाई दी, ये देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई दी है, और इसके बाद हम इसे ऑन करते हैं। यहाँ से ऑन हो गया, ये देखिए यहाँ पे बैकलाइट जल रही है लेकिन नो डिस्प्ले। यहाँ भी देख सकते हैं कि बैकलाइट इसकी जल रही है लेकिन नो डिस्प्ले। अब यहाँ से अगर इसे ऑफ करते हैं यहाँ से, तो ये ऑफ हो गया, और फिर इसे ऑन करते हैं, ऑन हो गया बैकलाइट जल गई। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। इसमें डायरेक्ट सबसे पहले मल्टीमीटर को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे हम सीधे पैनल पे आते हैं। देखिए ध्यान दें, जैसे पैनल पे आए, पैनल पे ये जो VCC सप्लाई है उसकी बिन वोल्टेज यहाँ पर देखें 6.8 वोल्ट शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए। ठीक, अब LVDS पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना वोल्टेज है। ये 6.8, ठीक है। अब ये जहाँ से आउट हो रहा है वहाँ पे चलते हैं, मल्टीमीटर को और नज़दीक कर लेते हैं। ध्यान दें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो है ये मॉस्फेट पे 6.8 वोल्ट शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे वोल्टेज 6.8 है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे इसके गेट और सोर्स पे, ये देखिए यहाँ पे 12.2 वोल्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखें यहाँ पे भी 12 है, यानी ये मॉस्फेट फॉल्ट है। इसे हम चेंज करते हैं, फिर आपको वोल्टेज दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमने ये जो है मॉस्फेट निकाल दिया, यहाँ पर देखें ये जो है इसका जो जगह है ये खाली है। अब हम यहाँ पे एक पुराने बोर्ड से इसके मॉस्फेट को निकालते हैं और फिर इसके जगह पे यहाँ पर लगाते हैं। जैसे यहाँ से इसे निकाल लेंगे और इसका मॉस्फेट इसमें डाल देंगे।
अब यहाँ पर देखें, ये जो स्टैंड बाई में है, अभी हम इसे ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद वोल्टेज दिखाते हैं एलवीडीएस पे। ये देखिए ऑन हो गया, बैकलाइट भी ऑन हो गई। फिर आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एलवीडीएस, यहाँ बिन वोल्टेज पे, और यहाँ पर देखें ये 12 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे जो वोल्टेज 6.8 वोल्ट शो कर रहा था, अब देखें वहाँ पे कहाँ कहाँ पे कितने कितने वोल्टेज हैं, यानी उस मॉस्फेट के तीनों लेग पे देखेंगे वोल्टेज इसी कंडीशन में। फर्स्ट यहाँ पर आते हैं जो एलवीडीएस से कनेक्ट है, देखिए 12 वोल्ट। फिर सोर्स और ड्रेन पे आते हैं, देखें यहाँ पे जहाँ पे 12 वोल्ट शो कर रहा था, यहाँ पर देखिए नेगेटिव वोल्ट शो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसके ड्रेन पे, अरे सॉरी सोर्स पे। अब ये जो वोल्टेज है सोर्स वाला, यहाँ पे ये ड्रेन से आउट हो रहा है, ये 12 वोल्ट यहाँ पे जा रहा है, इस गेट से इसके वोल्टेज ऑपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे 0 वोल्ट है, 0.11। अब यहाँ पे स्विच ऑफ करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी ऑफ नहीं हुआ, अब ऑफ हो गया। अब यहाँ पर आ जाएं, इसके गेट पे वोल्टेज चेक कर लें, देखिए 12 वोल्ट। ठीक, अब जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी यहाँ पर दोनों 12 वोल्ट ही शो कर रहे हैं, यहाँ पे इसके ड्रेन पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। ठीक, 0। यहाँ पर भी देख लें कोई वोल्टेज नहीं। अब ये शुरू में जिस कंडीशन में फॉल्ट था, यानी यहाँ पे पैनल ऑन की जो वोल्टेज आती थी वो भी जो है यहाँ पे वोल्टेज गायब हो जाते थे, यानी दोनों पे 12 वोल्ट था। लेकिन इसमें जो है जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया। अभी देखिए बैक लाइट ऑन होगा, ऑन हो गया। अब यहाँ पे जहाँ 12 वोल्ट है, देखिए 0 वोल्ट होगा। ठीक, और यहाँ पे सोर्स पे 12 वोल्ट, फिर ड्रेन पे 12 वोल्ट, फिर यहाँ पे 12 वोल्ट। अब इसे वापस लगा देते हैं। अब आगे डिस्प्ले देख लेते हैं, यहाँ पर देखें डिस्प्ले बन गया।